कि आपका भी कहीं अपमान हो रहा हो और अपनों से अपमान हो रहा हो, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है, बोने दो, तुम ना बुरा सोचो। चलो, यदि दक्ष ने अपमान किया, चलो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता, वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? बोलो मेरी माँ। सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? मैया, कह दो ना मेरी माँ। सास ने भी गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इन दोनों में समझदार कौन, आप बताओ? बोलो मेरी माँ, कौन? सास समझदार है? ये मैया कह रही है सास समझदार है। सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं। समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा चुप रहे। तो जो चुप है वो समझदार है, क्योंकि हमारे यहां सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो कौन है? कुत्ते के वंशज हैं, भौंकते रहो। अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। कौन समझदार इन दोनों में? कोई नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का परिचय दो। कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी, क्या शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? बोलो मेरी माँ। मैया जी, कितनी? 100। 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी के नहीं? यदि भगवान भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं, तो हम और तुम इंसान होके 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्यों कुत्तों की मुंह लगते हो? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे माँ, कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना, ये भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता है ना, क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जवाब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर, सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है। सह लो। यदि पाकिस्तान हमारा अपमान करे तो बिल्कुल ना सहो, पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करें तो कोई बात नहीं, अपने हैं, माफ करते चलो, इनसे क्या झगड़ा करना। आपका भाई आपका अपमान कर रहा, माना कि,
माना कि आपका सगा भाई आपका अपमान कर रहा है, तो क्या लड़ोगे उससे? तुम्हारी तो भाई है, इसलिए उसे उसकी तरफ ना देखो। पागल हो गया, दिमाग खराब है, कुत्ता सवार है इसके ऊपर, भौंकने दो। कहां इससे मुंह लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे भाई ही तो है। अपनों से ना जिद पालो, अपने से ना लड़ो। हाँ, कोई आतंकवादी है, कोई दूसरा है, तो उससे लड़ जाओ, जीतो। किसे जवाब देना है, किसे जवाब नहीं देना, यह भी विवेक का विषय है। आप लोग जिसे जवाब देना होता हो उसे तो देते नहीं है, और जिसे जवाब नहीं देना उससे लड़ते। ये लड़कियां अपने भाई से लड़ बैठती हैं, लेकिन उसी लड़की को कोई सड़क में कोई परेशान कर दे कोई लड़का, तो भाग के रोती रोती आ जाती है, मम्मी मम्मी उसने परेशान किया। अपने भाई को तो जड़ देती थी दो चार, उसे क्यों नहीं जड़ दिया? जिसे लड़ना, जिससे लड़ना हो उससे तुम लड़ती नहीं हो, और जिससे लड़ना नहीं उससे लड़ती हो क्यों? तो किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने बोलना है, यह विवेक का विषय है। जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास से हो, मां से हो, भाई से हो, तो इन रिश्तों में जहर ना घोलो, इनसे कोई उत्तर ना दो। ये कह रहे हैं चलो गुस्सा है बोलने दो, हम लड़के किससे लड़ रहे? भाई से क्या मिल जाएगा? भाई से लड़के, इनसे कोई उत्तर नहीं। लड़ना है उनसे लड़िए, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, आवाज उठाइए। लड़ना है किसी के साथ अत्याचार हो, अनाचार गलत हो रहा, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, लड़िए। लेकिन आजकल लोगों को कोई काम नहीं, अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी सास से, चलो अब खा लिया पेट भर गया, चलो अब बहू आओ जरा लड़ लें तुमसे हम, आओ दो दो हाथ की हो जाए, लो चल रही है घर में तू तू मैं चल रही है। और इससे भी बच गए तो आज भारत में जातवाद का जहर घोल के लड़ रहे हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लो भाई आपस में लड़ो, अब तुम्हारा अन्न कैसे पचे, लड़ो आपस में। लड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूं ही लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने मुगलों ने खूब उठाया है, तुम्हारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया, कई सौ साल तक तुम भारतवासियों पर हम पर राज्य किया इन लोगों ने, केवल इसलिए कि हम लोग केवल लड़ना जानते हैं, हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं है कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके। एक दूसरे से लड़ जाते हैं, ऐसे ही लड़ो आपस में, कल फिर कोई और आएगा तुम्हारे देश में कब्जा कर लेगा, फिर करना उसकी गुलामी, आदत हो गई है गुलामी करने की तुम्हारी, कभी मुगलों की कभी अंग्रेजों की, अब ऐसे फिर लड़ो, फिर करना किसी की गुलामी। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, जाग जाओ, सबको गले से लगाओ, कोई जातवाद नहीं है। गुर्जर कहता है मैं बड़ा, जाट कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा, वो फलाने गुर्जर और जाट आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ती हो? तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो। क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाते हैं, तुम दो हो क्या? अरे ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आज बहुत सारे मुसलमान लोग ना हिंदुओं के नाम की फेसबुक में आईडी बना लेते हैं, और वो जाट बन गए अपने आप को, जाट बन के गुर्जर को गाली दे दी, एक ने गुर्जर बन के जाट को गाली दे दी, वो है मुसलमान और लड़ा रहे हैं हम सबको, और लो आप और हम लड़ रहे हैं अज्ञानवश। खूब ऐसा चलता है, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं, गाली ना हम तुम्हें देते हैं ना तुम हमें देते हो। तीसरा ही मंथरा, कैकई और दशरथ जी में कोई भेद नहीं था, भेद पैदा करने वाली ये मंथरा है।
उसी तरह आज भी समाज में कुछ लोग भेद पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है। और आप संगठित रहिएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां संगठन है वहां सब प्रकार की खुशहाली है। जहां झगड़ा है, यदि आपस में हम बिखर गए, ये चार उंगलियां अलग अलग हैं, चारों एक हो जाएंगी, मुठिका हो जाएगा, एक मार दो दांत टूट जाएंगे, वो चारों अलग अलग रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए संगठित, झाड़ू एक होती है ना, कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। यदि बिखर गए तो कचरे हो जाओगे। इसलिए मेरी माँ, संगठित रहना, बच्चों को कहना आपस में लड़ाई ना किया करें, भेदभाव मिटा दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू हम एक हैं, बटो मत, बट जाओगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, सब जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। हम संगठित रहें। हम चार भाई हैं, एक बाप की संतान है, बताओ ब्राह्मण का पिता कौन, ब्राह्मण का पिता कौन? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है ये, वेद में लिखा है भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण की जंघा से वैश्य का जन्म हुआ, और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? पिता कौन है? नारायण। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ। जब हम एक ही बाप की संतान है तो फिर झगड़ा किस बात का है? हम तो चारों एक ही हुए। गुण कर्म विभागशः, केवल आदमी के गुण कर्म के कारण विभाग हो गए। भगवान ने कह दिया एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप की चार संतानें थी, एक बेटा जरा ज्ञानी था तो बेटे का नाम रख दिया ब्राह्मण। क्या नाम रखा? ये ब्राह्मण है। एक बेटा ज्यादा युद्ध कौशल था, युद्ध में कुशल था, नाम रख दिया क्षत्रिय। एक जरा पैसे पे जरा ध्यान था तो नाम रख दिया वैश्य। और एक बेटे का सेवा में मन था, तीनों का सहयोग करता था, तीनों से प्यार करता था, उसका नाम रख दिया शूद्र। एक्चुअली शूद्र जात नहीं है, ब्राह्मण जात नहीं है, क्षत्रिय कोई जात नहीं है, ये तो हमारे बाप दादों के नाम थे। ब्राह्मण नाम का आदमी था, उसकी जितनी संतान हुई तो ब्राह्मण के नाम से जानी गई, क्षत्रिय नाम के आदमी की जितनी संतान हुई क्षत्रिय के नाम से। हम लोग एक ही पिता की संतान है, मूल में पिता एक है नारायण। केवल व्यवस्थाएं बनाने के लिए चार विभाग किए गए कि ब्राह्मण वेद बचाएंगे, क्षत्रिय अपना देश बचाना, वैश्य पैसा बचाना, और शूद्र इन तीनों का सपोर्ट करना। क्यों? ये व्यवस्था बनाई। आपके घर में भी बेटी का विवाह होता है तो आप लोग भी व्यवस्था बनाने के लिए किसी को मंडप की सेवा संभाल दे देते हैं, किसी को खाने पीने की सेवा, स्वतुम खाने पीने की संभालना, तुम मंडप की संभालना, तुम बारातियों को नाश्ता पानी की संभालना, भाई व्यवस्था बनाई जाती है कि नहीं? काम सौंपा जाता, तुम ये काम कर लेना। हमारे देश में भी आजकल देखो ना, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक खाद्य मंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, एक उद्योग मंत्री होते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। उद्योग का काम करना है, उद्योग मंत्री से मिल लो, और दूसरे काम है तो इन मंत्री से मिल लो, उन मंत्री से मिल लो। क्यों भाई? ये व्यवस्थाएं हैं। फलाना मंत्री, फलाना मंत्री, फलाना मंत्री। शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा मंत्री से बात करो, पैसे की दिक्कत है वित्त मंत्री से बात करो। क्यों? ये व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार भगवान ने व्यवस्थाओं के लिए चार लोगों को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, चार एक ही बाप की संतान है। लेकिन अज्ञानता इतनी आ गई कि हम लोग आपस में आगे चल के लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अब जरूरत नहीं है इसकी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। बस जरूरत इसकी है कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं,
गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तुम बट गए जातवाद के नाम पर, फिर तुम पर कोई हमला करेगा। आज क्रिश्चियन लोग गांव गांव में जाके हिंदुओं के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हिंदुओं के गांव गांव को जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो मैं से ही अपनी अकड़ में रहे आना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। आगे चल के सारे हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। फिर क्या होगा जब सब लोग वही बन जाएंगे? कौन होगा तुम्हारी पक्ष की बात रखने वाला? कौन होगा तुम्हारा पक्ष लेने वाला? सेना भी बड़ी होनी चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बातें हल्के में ना लेना, नहीं कल को आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी कि तुमने क्या किया। अरे अपने हिंदुओं को बचा लेते कम से कम। अरे समय निकाला करो और अपने उन गरीब लोगों के पास जाकर बैठा करो जिन्हें 2 किलो आटा की जरूरत है, 1 किलो दाल की जरूरत है। जरा सा समाज में सेवा करो, सहयोग करो, सबको भूखे को भोजन कराओ। क्रिश्चियन लोग पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हाँ या ना? और तुम लोग केवल अपनी अकड़ में 20 लाख की गाड़ी लेना है, 50 लाख की गाड़ी लेना है, गाड़ी घोड़े में पैसे लगाओगे? अफगानिस्तान का क्या हुआ? कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने सबकी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा रखी रह गई। यदि तुम आपस में बट जाओगे तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई आके कब्जा कर लेगा, फिर भागते फिरना। इसलिए आज सनातन को बचाने की जरूरत है। चलो हम ये नहीं कहते कि तुम मुसलमानों को हिंदू बनाओ, हम ये नहीं कहते क्रिश्चियनों को हिंदू बनाओ। जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें तो बचा लो जो धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, उन्हें तो गले लगा लो, उन लोगों को तो हृदय से लगाओ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और नुकसान सबका होगा। देश गुलाम हुआ, सबका नुकसान हुआ। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू लोगों को अपने धर्म की कोई नहीं पड़ी, कोई नहीं करता प्रचार, कोई नहीं बात करता धर्म की, कोई नहीं बात करता सनातन की, कोई नहीं बात करता राम और कृष्ण की। दया ही नहीं है लोगों के आगे। आज लोग, एक गरीब बाप गांव गांव में मैंने देखा है साहब, कि गांव का गरीब आदमी गिड़गिड़ाता है, भैया बेटी का विवाह जरा 5,000 दे दो। तो गांव का जो धन्ना सेठ होता है ना, वो 5,000 देता तो है पर ब्याज लेता है 10% 15%, 5,000 का। अरे उस आदमी को ये तो समझ आए कि पागल, वो गरीब आदमी है, उसके बेटी का विवाह है, 5,000 दे दो बेटी के विवाह में, ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दे दो। उस गरीब आदमी से तुम ब्याज वसूलोगे? अरे दे दो 5,000, महीने 4 महीने में वापस कर देगा वो। क्या कि तुम 5,000 का ब्याज लगाए बैठ गए? कोई लाखों की बात हो तो बात, 10-5,000 में तुम ब्याज लेते हो, कितना पैसा कमा लेते हो इससे? घोर नरक जाओगे। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। धन दिया है तो इसलिए दिया है कि तुम जरूरतमंदों की सेवा कर सको, दीन दुखियों को गले लगा सको, किसी गरीब आदमी की तुम मदद कर सको। जीवन में ईश्वर ने दिया है, परोपकार करना चाहिए, घटता नहीं है, याद रखना, लिख के रखना। दान करे धन ना घटे, लिखा है ये, बोलो दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पीर घटे न सरिता नीर। प्यासे को पानी पिलाने से नदी का पानी कम नहीं होता, दूसरों को फल खिलाने से वृक्षों के फल कम नहीं होते, और किसी की सेवा करने से धन कम नहीं होता, धन बढ़ता है, दान करने से बढ़ता है, पुण्य करने से। लेकिन आज का आदमी, मैं देखता हूं कि आज समाज में गरीब लोगों का अमीर लोग बहुत शोषण करते हैं, जरूरत से ज्यादा बहुत शोषण होता है। मैं निवेदन करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूं,
अपनी गरीबी खुद मिटाना शुरू करो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो गरीबी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी सदा सदा के लिए। मेहनत करो, तुम सब कर सकते हो। खड़े हो जाओ, और देश की गरीबी तब दूर होगी जब 135 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी दूर कर ले, अपने आप मेरे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। सोने की जरूरत नहीं है मेरी मां, धर्म का प्रचार किया करो। कह दो लोगों से, बाद में लड़ लेना, अभी संगठित रहो, लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा? दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों। बताओ अंग्रेज कब भागे भारत से? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज लोग भाग के गए। क्यों भागे मुझे बताओ? इसलिए भागे क्योंकि मेरा पूरा भारत संगठित हो गया था, डर के मारे अंग्रेज भाग गए। यदि पहले 100 साल पहले यदि संगठित हो जाता तो ये अंग्रेज लोग 100 साल पहले भाग जाते। लेकिन तुमने संगठन करने में, संगठित होने में कई सौ साल लगा दिए संगठित होने में। और संगठित जिस दिन हो गए, भाग गए कि नहीं अंग्रेज? हाँ या ना? फिर कितनी बड़ी ताकत है संगठन की, इसलिए संगठित रहना मेरी माँ। और जातवाद कोई लेके आए, घुसने ना देना घर में। कोई जातवाद नहीं, हम सब एक हैं। हमारे गांव का ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। मैं अपने गांव जाता हूँ ना, तो मैं अपने गांव में सबसे मिलता हूँ, सबसे राम राम करता हूँ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मैं अपने गांव के शूद्र भाइयों के पास जाके भी बैठता हूँ और पूछता हूँ कि तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है? गरीब परिवार की बेटियाँ यदि दिखती हैं मुझे, मैं तुरंत कहता हूँ कि जब इसका विवाह हो तो बता देना। जब से दास अनिरुद्ध ने होश संभाला है, तब से हमारे गाँव में किसी भी बेटी का विवाह होता है गरीब परिवार की, सबकी बेटियों के विवाह में भोजन की व्यवस्था दास अनिरुद्ध कराता है। जितने बाराती आएंगे सहयोग हो यहां से होगा। गरीब हो तुम, मदद करेंगे, ईश्वर ने इस लायक बनाया है, करो। अरे 10-20 हजार में तुम्हारा कुछ नहीं घट जाता, पर 10-20 हजार में गरीब आदमी की बेटी का विवाह नहीं पड़ जाता है। बनाया है तो करो, बांध के ले जाओगे? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मैं बताता नहीं हूं, न बताने की जरूरत है, पर जीवन में ईश्वर ने योग बनाया है तो आपको करना चाहिए। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मैं छुआछूत नहीं रखता बिल्कुल। हमारे गांव में जितने लोग हैं, सारे लोग, चाहे मोची समाज हो चाहे कोई, मैं सबको बैठता हूं, सबके पास बैठता हूं, सबको अपनी तरफ से राम राम करता हूं, सबके साथ बैठता हूं, बगल में बैठता हूं, सबका हालचाल पूछता हूं, भैया कैसे हो, सब आनंद है, कुशल मंगल है, सबसे हंसता हूं, सबसे बात करता हूं, सबको गले लगाता हूं। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ सब प्रकार की माताएं रहती हैं, ब्राह्मण मैया, क्षत्रिय मैया, वैश्य मैया, शूद्र मैया। आज तक मैंने किसी माँ से जात नहीं पूछी कि माँ तुम्हारी जात क्या है, मैं केवल सबके पांव दबाता हूँ। चाहे मैया कोई भी जात की हो, मुझे क्या करना, माँ की जात कोई नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। मैंने तो जात पात का भेद मिटा दिया आपकी आंखों के सामने, आके देख लो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, माए सब प्रकार की हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पूछ लेना कि मैंने किसी से जात तो नहीं पूछी, आज तक मैंने किसी से ना जात पूछी, केवल सेवा किया है मैंने, केवल सेवा। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि ईश्वर की सब संतान है, प्यार से रहो, गले लगाने में ज्यादा अच्छा है, नफरत घृणा रखने में अच्छा नहीं है। क्यों? मैं आपसे प्यार करूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा? यदि छुआछूत भेदभाव होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? राम जी ने भेदभाव नहीं रखा, हमारे भगवान थे, तो फिर हम भेदभाव काहे का रखें?
ना जी, सबको गले लगाने में क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? आप अपने नगर के गरीब लोगों को गले लगा लोगे, प्यार से बैठ के दो बातें कर लोगे, इससे आप छोटे हो जाओगे? तो क्यों नहीं लगाते गले, क्यों नहीं प्यार करते सबको? आज भारत में ऐसी मानसिकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि किसी को छू लेते हैं ना तो वो कहते तुम्हें छू लिया अब नहाएंगे। गलत है ये। क्या माता सबरी को छूकर राम जी नहाए थे? फिर इतना अहंकार किस बात का भैया? कहां से ले आई ये ज्ञान उल्टा? हमारे वेद पुराणों में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है प्रेम करो राम ही। सुनो क्या लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं उदाहरण देके फिर बोल रहा हूं, क्या हमारे रैदास भक्त मोची नहीं थे? जात के मोची थे, जूता सिलते थे, लेकिन उनके पास सभी लोग जाते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, उनका आदर करते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर योग्यता है, उसको आप प्रणाम करने से में कोई बुराई नहीं है, बाकी सबको गले लगाएं, गले लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा। मिटा दो ये जहर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे देश का यदि ये जहर बना रहा तो।